नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेखा साउथ किचन पर। आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो कस्टर्ड। ये बच्चों को या बड़ों को सभी को पसंद आता है। अगर आपको कभी मैंगो आइसक्रीम खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हो। चलिए हम फिर देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए आधा लीटर दूध लिया है और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये वेनेला कस्टर्ड पाउडर है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ठंडा दूध ही डालूंगी। ये रूम टेम्परेचर पे दूध लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं जिससे इसमें लम्स ना रहे। थोड़ा दूध मैं और डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने घोल बनाकर तैयार कर लिया है कस्टर्ड का। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में आधा लीटर दूध डालूंगी। दूध हम फुल क्रीमी लेंगे। दूध में थोड़ा उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं, अब हम गैस को कर देते हैं स्लो और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड मिल्क पाउडर डाल देते हैं और मिलाते जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, साथ में एक बार में नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी शक्कर। मैंने ये 5 चम्मच शक्कर ली हुई है। बराबर चलाती हुई इसे हम पका लेते हैं। हमने मीडियम गैस पर इसको पका लिया। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए यार, अब इस समय पे हम डालेंगे आम की प्यूरी। मैंने 3 आम की प्यूरी ली हुई है, इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं और गैस हम मीडियम रखेंगे, पकाएंगे। इस तरह से आप मैंगो कस्टर्ड बनाएंगी, आपका कस्टर्ड बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए मैंने आम की प्यूरी डाली, इस तरह से ये छोटे छोटे दाने भी इसमें मैंगो की दिख रहे हैं। इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने आम को इस तरह से चम्मच से ही मैश किया हुआ है जिससे इसके थोड़े थोड़े टुकड़े रहें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम मिक्सी से ग्राइंड नहीं करेंगे, वो बिल्कुल फट जाते हैं, इससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। हमने दशहरी आम यूज किया है, आप चाहें तो कोई भी आम यूज कर सकते हो। इस तरह से हम इसको गाढ़ा कर लेते हैं। लीजिए हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये कोटिंग आ गई है, अब मैं इस तरह से देखिए दिखा रही हूँ, क्लीन लाइन बन गई है। बस हमारा परफेक्ट कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मैंने कस्टर्ड को कढ़ाई में थोड़ा ठंडा होने के बाद इस बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। 2 घंटे हो गए हैं, मैंने मैंगो कस्टर्ड को फ्रीजर से निकाल लिया है। अब मैं इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया है, कितना थिक हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ मैंगो की पीस लगा देती हूँ इस तरह से। ये मैंगो कस्टर्ड है इसलिए मैं मैंगो डाल रही हूँ। अगर आपको जो भी फल पसंद हो वो भी आप डाल सकते हो। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं इसमें एक चेरी रख देती हूँ। तो लीजिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।